वेलकम डिप्लोमा वाले क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टीम जनरेटर का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर के आप उसे भी कंप्लीट कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये है हमारा पार्ट टू, और इसमें हम लोग देखेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ बॉयलर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझ लिया है बॉयलर का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बॉयलर्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ बताया गया बॉयलर अनेक प्रकार के होते हैं तथा इनकी संरचना व कार्य प्रणाली भिन्न होती है, अतः बॉयलर का वर्गीकरण भी इनके अनेक बातों पर निर्भर करता है। मतलब क्या क्या उसकी संरचना और कार्य प्रणाली भिन्न होती है। ठीक है, मतलब कि वो दिखने में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है और कार्य करने की विधि भी अलग अलग हो सकती है। इसी बेसिस पे से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि बॉयलर को मुख्य रूप से निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। जो बॉयलर है उनको मेन रूप से जो है टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है हमारे पास है ध्रुव नली या फिर अग्निनली बॉयलर, मतलब कि फायर ट्यूब या फ्यूल ट्यूब या फिर फायर ट्यूब बॉयलर। दूसरा जो है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो हम लोग ये समझेंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या है और फिर वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, क्योंकि यही मेन हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो सब इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बता देते हैं फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, उसके बाद से हम लोग तब इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो फायर ट्यूब बॉयलर में बता रहे हैं कि ऐसा बॉयलर जो कि जब कोई ट्यूब हो, ट्यूब मतलब कि जब कोई समझ लीजिए कोई पाइप है इस तरीके से, तो फायर ट्यूब बॉयलर जब भी बुलाया जाता है। फायर का मतलब क्या होता है, आग होता है। तो ये समझिए जो ट्यूब होगा, अगर ट्यूब के अंदर आग होगी, जब ट्यूब के अंदर आग होगी तो उसे बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, और जो वाटर होगा वो ट्यूब के बाहर होगी। ठीक, जो वाटर होगा वो ट्यूब के बाहर होगी, यानी कि जो आग होगा, जो ध्रुव गैसें होंगी जो, तो वो पाइप के अंदर होंगी, ट्यूब के अंदर होंगी, और ट्यूब के बाहर चारों तरफ, बाहर के चारों तरफ जो है हमारा वाटर होगा, पानी होगा, तो फिर क्या होगा, हीट का ट्रांसमिशन होगा और जो बाहर का पानी है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें पानी इतना गर्म हो जाएगा कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन होता है। जब भी बोला जाए फायर ट्यूब बॉयलर तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि फायर क्या होगा, ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक, और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, पहले से समझ लेते दोनों को। देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि ट्यूब के अंदर जो ट्यूब होगा या फिर पाइप होगी, उसके अंदर क्या होगा, हमारा वाटर होगा। ठीक है, उसके अंदर वाटर फ्लो कर रही होगी, और जो आग होगा, ठीक है, वो ट्यूब के बाहर होगा। जो आग होगा वो हमारा ट्यूब के बाहर होगा, तो ट्यूब के बाहर से जो हीट होगा वो अंदर के वाटर को, ट्यूब के अंदर के वाटर को गर्म करेगी, और इतना गर्म करेगी कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब बोला जाए वाटर ट्यूब बॉयलर तो हम लोग को ये समझ जाना है कि वाटर ट्यूब के अंदर होगा, और जब बोला जाए फायर ट्यूब बॉयलर तो फायर ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है, और फायर ट्यूब के अंदर होगा, वाटर बाहर हो जाएगा तब। ठीक है, और वाटर ट्यूब के अंदर जो है वाटर अंदर जाएगा, फायर बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक जो बॉयलर होता है उसमें ट्यूब लगी होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देखेंगे फायर ट्यूब बॉयलर में, आप इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद से ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए इस तरह से हेडिंग डाल लेना है हम लोग को, और आगे क्या लिखा है इसको पढ़ के समझते हैं। इसमें लिखा है ध्रुव नली, मतलब कि फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर भट्ठी में उपजी दग्ध गैस है ध्रुव नलियों, मतलब कि स्मोक ट्यूब से गुजरती हैं। मतलब जो ट्यूब है उसमें से जो है ध्रुव, जो ध्रुव नली जो, जो मतलब कि यह जिसमें से आग बहेगा उसको ध्रुव नली कहा जा रहा है। ठीक है, उसे और इंग्लिश में स्मोक ट्यूब कहा जा रहा है। ठीक, आगे बताया गया और जल इन नलियों से बाहर आता है, मतलब ट्यूब में जो है हमारा फायर होगा
और जो वाटर है उसके बाहर होगा, उसके सराउंडिंग पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि दग्ध गैसें को ऊष्मा धुंध नलियों के माध्यम से जल को अंतरित करती हैं। अंतरित करने का मतलब पकी ट्रांसमिट करती हैं या फिर जल को गर्म करती हैं और भाप उपजाती हैं। ठीक है, इस सिद्धांत पर आधारित प्रमुख बॉयलर रेल इंजन बॉयलर, मतलब कि लोकोमोटिव बॉयलर, कॉकरन बॉयलर और लकाशायर बॉयलर है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है जो चीज़ें हमने बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को डाउनलोड करके अब इसे अच्छे से पढ़िएगा। बस मेरा काम है समझाना, तो हम इसे समझाते रहें। ठीक है, देखें यहाँ पर, जब पर भी फायर ट्यूब बॉयलर की बात आएगी तब पर भी फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से हैं ये भी हम लोग को याद रखना है। जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर, कॉकरन बॉयलर और लकाशायर बॉयलर, ये बॉयलर जो है फायर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर का क्या मतलब कि इनके जो ट्यूब के अंदर है फायर फ्लो करती है और वाटर बाहर की तरफ होती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में फिगर ऐड कर रखा है कि ये हमारा कॉकरन बॉयलर है, ये लोकोमोटिव बॉयलर है और ये हमारा ये लकाशायर बॉयलर है ये वाला। ठीक है, अगर इसको ध्यान से इसको जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें ट्यूब है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर फर्नेस है, ठीक है ना, भट्टी है और इस भट्टी में से आग निकल के, मतलब कि इसका जो दग्ध गैस है वो निकल के जा रही हैं और ये पतली पतली ट्यूब बनी हुई है, तो इन ट्यूबों से होकर के पास हो रही हैं और इन ट्यूबों के चारों ओर देखेंगे ध्यान से तो वाटर है। अरे तो यहाँ से जब निकलेंगी तो अपनी एनर्जी वाटर को ट्रांसमिट कर देंगी। ठीक है, और ये फिर चिमनी से होकर के बाहर निकल जाएंगे। ठीक, जिस प्रकार से जो है ये दग्ध गैसें जो हैं अपने एनर्जी को वाटर में ट्रांसमिट करती हैं, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही काम जो है इन तीनों में होता है। ठीक है, तो हम लोग को याद क्या रखना है, हम लोग को याद रखना है कि जो फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर का जो एग्जांपल है वो क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल हम लोग का है लोकोमोटिव बॉयलर और कॉकरन बॉयलर और लकाशायर बॉयलर, ये तीनों एग्जांपल हैं फायर ट्यूब बॉयलर के। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर को। वाटर ट्यूब बॉयलर को हम समझ लिया कि जो जल के जो ट्यूब होगा, ट्यूब के अंदर वाटर होगा, वाटर फ्लो कर रहा होगा और जो गैसें होंगी, जो जो उसका फायर होगा वो ट्यूब के बाहर होगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो ट्यूब के अंदर का वाटर होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो है बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर और स्टर्लिंग बॉयलर। ठीक है, दोनों का एग्जांपल का फिगर हमने यहाँ डाल दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इन दोनों बॉयलर को बहुत अच्छे से हम लोग को आगे पढ़ना है, एक एक बॉयलर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ देखिए, ये हमारा बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर है, ये वाला हमारा बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर है और ये वाला बॉयलर हमारा स्टर्लिंग बॉयलर है। ठीक है, और दोनों ही कौन कैसा बॉयलर है, दोनों ही हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है। दोनों ही हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है, कौन कौन सा, बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स एंड स्टर्लिंग बॉयलर हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसमें जो ट्यूब लगा है ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करती है, इन सारे ट्यूब के अंदर जो है वाटर फ्लो करती है। ठीक है, और आग बाहर से होती है। देखेंगे अगर इस फिगर में आप अच्छे से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्नेस हमारा दग्ध गैसें उठ रही हैं और इन ट्यूबों को गर्म करते हुए बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर वाटर है और बाहर इसकी दग्ध गैसें या फिर फायर है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा और इसे आप डाउनलोड करके इसको नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो था ऊपर का जो क्लासिफिकेशन था, तो टू टाइप्स का मेन क्लासिफिकेशन था कि मेनली बॉयलर टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है, दूसरा जो है वाटर ट्यूब बॉयलर। उसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखेंगे बॉयलरों का अनुवर्गीकरण। ठीक है, यहाँ बताया गया बॉयलरों को उनकी संरचना तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, पहला होता है बॉयलर की में बॉयलर भट्टी की स्थिति के अनुसार, मतलब कि जो पोजीशन है बॉयलर के अंदर भट्टी की फर्नेस की उसके अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार बताया गया है कि इंटरनली फायर्ड बॉयलर,
एंड एक्सटर्नली फायर बॉयलर, मतलब कि अंतर्दहन बॉयलर और बाह दहन बॉयलर। ये क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए कुछ बॉयलर ऐसे हैं जिनके जिनमें फर्नेस जो भट्टी है वो बॉयलर के अंदर होती है, कुछ बॉयलर ऐसे हैं जिनके भट्टी जो है बॉयलर के बाहर लेकिन उसके दीवार के अंदर होती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसको बोला गया है। इंटरनली फायर बॉयलर का क्या मतलब है, इंटरनली फायर बॉयलर का मतलब जो उसकी भट्टी होती है जो उसकी फर्नेस है बॉयलर के अंदर हो, एक्सटर्नली फायर बॉयलर का मतलब क्या है जो उसकी भट्टी है वो उसके अंदर ना हो रही उसके बाहर हो लेकिन उसके सराउंडिंग के अंदर होगा, उसका जो चिन्ह जो उसका घेरा होता है उसके अंदर होगा, ऐसा नहीं कि बहुत दूर होगा वो, ठीक है। इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग को। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन है कि अंतर्दहन इंजन मतलब इंटरनली फायर्ड बॉयलर क्या है, यह बताया गया है कि अंतर्दहन बॉयलरों में भट्टी की उपस्थिति बॉयलर खोल के अंदर होती है, जैसे कि रेल इंजन और लगातार बॉयलर में, ठीक है। रेल इंजन भी हम लोगों ने देखा अभी और लगातार बॉयलर भी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है और साफ साफ बताया भी गया है कि अंतर्दहन बॉयलरों में भट्टी की उपस्थिति बॉयलर खोल के अंदर होती है, जो बॉयलर का खोल है जो उसका सेल है उसके अंदर होती है, जैसे कि रेल इंजन बॉयलर और लगातार बॉयलर में होती है, ठीक है। अभी इन दोनों के बारे में भी हम लोग आगे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि जो इंटरनली फायर्ड बॉयलर है उसका एग्जांपल लोकोमोटिव बॉयलर है और लगातार बॉयलर है, ठीक है। और इंटरनली फायर बॉयलर किसे बोलते हैं, जिसमें बॉयलर जिसमें फर्नेस की उपस्थिति उसके सेल के अंदर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि बाह दहन बॉयलर मतलब कि एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर ये क्या होता है, बाह दहन बॉयलर में भट्टी की उपस्थिति बॉयलर खोल के बाहर परंतु बॉयलर दीवारों की चिनाई के भीतर होती है, मतलब कि खोल के सेल के बाहर होती है लेकिन उसके दीवार के अंदर होती है, जैसे कि बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर स्टर्लिंग बॉयलर में होती है, ठीक ना। तो इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखना है इसके लिए, एक्सटर्नली के लिए बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स एंड स्टर्लिंग बॉयलर। इसमें क्या होती है, ये बॉयलर जो है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर हैं, मतलब कि इनमें जो है फर्नेस जो होता है भट्टी होता है वो सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर होता है, दीवारों के उसके जो है खोल के बाहर होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे बॉयलर खोल की स्थिति के अनुसार, मतलब कि कुछ बॉयलर इस तरह से वर्टिकल होते खड़े होते हैं, ठीक ना, कुछ बॉयलर इस तरह से लंबे होते हैं, इसके अनुसार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो प्रकार के बताया गया है, पहला जो है खड़ा बॉयलर मतलब कि वर्टिकल बॉयलर और दूसरा जो है क्षैतिज बॉयलर मतलब कि हॉरिजॉन्टल बॉयलर, मतलब कि वर्टिकल बॉयलर हो गया और इस तरह का जो होगा वो हॉरिजॉन्टल बॉयलर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है इसकी। यहाँ आप देखेंगे वर्टिकल के बारे में क्या लिखा गया है, खड़े बॉयलर को इसका खोल खड़ी स्थिति में होता है, मतलब जो खड़ा बॉयलर होता है उसकी खोल जो है उसकी सेल जो है खड़ी स्थिति में होता है, जैसे एग्जांपल सरल खड़ा बॉयलर काकरण बॉयलर इसके उदाहरण है, इसको समझना है, समझिए क्या इसमें ये बताया गया, जिसका सेल जिसका खोल खड़ा होता है मतलब कि वर्टिकल होता है उसे हम वर्टिकल बॉयलर कहते हैं, जैसे कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर इसके भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे, सिंपल वर्टिकल बॉयलर एंड कॉकरन बॉयलर इसके उदाहरण है, मतलब कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर और कॉकरन बॉयलर जो है वर्टिकल बॉयलर कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर के बारे में, हॉरिजॉन्टल बॉयलर में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बॉयलर में क्षैतिज बॉयलर में इसका खोल क्षैतिज स्थिति में होता है, क्षैतिज स्थिति मतलब कि इस तरह से लेटा हुआ रहेगा, ठीक ना, जैसे कि रेल इंजन बॉयलर और बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर में, ठीक है। एग्जांपल याद करते हुए चलना है, इसमें एग्जांपल याद रहेगा तो हमको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में एग्जांपल क्या क्या है, वो है रेल इंजन बॉयलर और बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो हमारा है वो है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। इसमें दो तरीके के हैं, वो है मोबाइल बॉयलर और दूसरा जो है स्टेनरी बॉयलर, मतलब कि चल बॉयलर और अचल बॉयलर। चल बॉयलर से मोबाइल बॉयलर लग रहा है कि जिसको मूव कराया जा सके, ऐसा बॉयलर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सके,
या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके उसे हम चल बॉयलर या फिर मोबाइल बॉयलर कहेंगे। और जो स्टेशनरी हो मतलब कि जो अचल हो, जहाँ पर उसको लगा दिया गया वहीं लगा हुआ रहेगा, उसे हम लोग अचल बॉयलर कहेंगे। ये तो हम नाम से ही समझ जा रहे हैं और यही इसका कंसेप्ट भी है। आइए पढ़ते हैं डिफिनेशन क्या है चल बॉयलर के बारे में। चल बॉयलर सामान्यतः रेल इंजन या फिर मरीन इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि चल इंजन सामान्यतः रेल इंजन या फिर मरीन इंजन में प्रयोग किया, मतलब कि रेल इंजन क्या होता है, रेल इंजन में जो बॉयलर लगा होता है वो मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, ठीक है। इससे बोला गया है कि मोबाइल बॉयलर, ठीक है। इसमें आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं ऐसे बॉयलर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं उन्हें हम मोबाइल बॉयलर कहते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम लोग स्टेशनरी बॉयलर मतलब कि अचल बॉयलर कहते हैं। अचल बॉयलर में क्या होता है, अचल बॉयलर स्थिर होते हैं, इनका उपयोग स्थिर भाप इंजनों, भाप टर्बाइन आदि के लिए किया जाता है या फिर होता है, ठीक ना। तो इससे हम समझ गए जो कि एक जहाँ पर स्थिर होंगे उसे हम अचल बॉयलर कहेंगे, ठीक। और फिर देखते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या बताया गया, भाप के दाब के आधार पर, भाप के दाब के आधार पर। तो पहला जो हमारे पास है लो प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर कितना होता है, इसमें बताया इस वर्ग के ऐसे बॉयलर आते हैं जिसमें 30 वायुमंडलीय दाब तक भाप उपजाई जा सके, वो हम लोग क्या होगा, लो प्रेशर बॉयलर होगा। 30 वायुमंडलीय दाब तक जो है एटीएम तक जो है उत्पन्न किया सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे लो प्रेशर बॉयलर कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल है रेल इंजन बॉयलर, कॉकरन बॉयलर और लकाशायर बॉयलर, ठीक है। ये ऐसे बॉयलर हैं जहाँ जिसको हम लो प्रेशर बॉयलर कह सकते हैं। लो प्रेशर बॉयलर में 30 एटीएम तक हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम, मीडियम प्रेशर बॉयलर। मीडियम प्रेशर बॉयलर में क्या होता है, इस वर्ग में 30 से 70 एटीएम दाब तक, वायुमंडलीय दाब तक भाप उपजाई जा सकती है, ठीक ना। और इसके अंतर्गत कौन कौन से बॉयलर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं काकरन और स्टर्लिंग बॉयलर, प्रमुख दो उदाहरण, ठीक है। इसके उदाहरण काकरन और स्टर्लिंग बॉयलर हैं मीडियम में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे तो हाई प्रेशर बॉयलर है। हाई प्रेशर बॉयलर में कहाँ तक आता है, तो हाई प्रेशर बॉयलर में 150 वायुमंडलीय दाब तक भाप का उत्पादन किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बेबकॉक्स, विलकॉक्स एंड बेंसन बॉयलर, ठीक है। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो सुपर हाई प्रेशर बॉयलर आता है। इसमें क्या होता है, इसमें 150 से 190 वायुमंडलीय दाब तक भाप का उत्पादन किया सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे अति क्रांतिक दाब बॉयलर, इसमें क्या होता है, इसमें 225 वायुमंडलीय दाब से अधिक पर भाप का उत्पादन किया जाता है। इसमें हाई प्रेशर बॉयलर आते हैं जैसे कि लामंड बॉयलर, लोफर बॉयलर और विलकॉक्स बॉयलर, ये सब जो है बॉयलर आते हैं जो कि 225 वायुमंडलीय दाब से अधिक पर भाप का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एक बार में याद नहीं होंगी, दो से तीन बार आपको पढ़ना होगा या फिर दो से तीन बार वीडियो देख लेंगे तब पर ही आपको याद रहेगी। आपको इस PDF को या इसको डाउनलोड करके और अपने से पढ़ करके इसे याद करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप पाँचवा देखते हैं। पाँचवा बात है भाप उपजाने की क्षमता के आधार पर, मतलब कि कौन सा बॉयलर कितना भाप उपजाता है इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं। तो लो कैपेसिटी बॉयलर, लो कैपेसिटी बॉयलर किसे कहेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है इस वर्ग में 20 टन प्रति घंटा की दर से भाप उपजाने वाले बॉयलर सीमित हैं, मतलब कि ऐसे बॉयलर जो 20 टन पर हावर की दर से भाप उपजाते हैं उन्हें हम लो कैपेसिटी बॉयलर कहते हैं, ठीक है। 20 टन पर हावर की दर से जो स्टीम प्रोड्यूस करेगा उसे हम लो कैपेसिटी बॉयलर कहेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं रेल इंजन और लकाशायर बॉयलर। कौन कौन से, रेल इंजन है पहला और दूसरा जो है लकाशायर बॉयलर है, ठीक है। लो कैपेसिटी बॉयलर में, और लो कैपेसिटी बॉयलर में होता क्या है कि 20 टन पर घंटा, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मीडियम कैपेसिटी बॉयलर। मीडियम कैपेसिटी बॉयलर में क्या होता है कि भाप का उत्पादन जो 20 से 75 टन प्रति घंटा की दर से उपजा सकता हो, तो
ऐसे बॉयलर को हम मीडियम कैपेसिटी बॉयलर कहते हैं, ठीक है, मध्यम क्षमता के बॉयलर। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं स्टर्लिंग बॉयलर और बेबकॉक्स और विलकॉक्स बॉयलर, ठीक है, जो कि 20 से 75 टन प्रति घंटा का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद से आता है हाई कैपेसिटी बॉयलर। हाई कैपेसिटी बॉयलर में क्या होता है कि इसमें 100 टन प्रति घंटा से अधिक का उत्पादन किया जा सकता है, कैसे बॉयलर, जिसमें एग्जांपल है बेंसन बॉयलर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं छठवां में है वह एयर ड्रॉट की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, इसमें दो तरीके होती है, मतलब कि जो धुआं बनता है, जो गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उन्हें बाहर निकालने का, एक तो जो अपने से निकलती हैं, मतलब कि प्राकृतिक विधि से निकलती हैं, ठीक है, नेचुरल ड्रॉट बॉयलर उसे कहते हैं, और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर। आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर का मतलब क्या है, मतलब कि उसमें क्या करते हैं, फैन वगैरह लगा देते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, जो कि जो भट्टी में जो गैस जो कोयला जलता है उसके धुएं को बाहर निकालने के लिए, चिमनी से बाहर निकालने के लिए उसमें फैन वन की व्यवस्था कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम प्रवाह बॉयलर। और प्राकृतिक प्रवाह बॉयलर उसे बोलते हैं जिसमें चिमनी को खूब ऊँचा कर दिया जाता है और वो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है अपने से ही बाहर निकलती रहती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। प्राकृतिक प्रवाह बॉयलर में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है ऐसा बॉयलर जिनमें ईंधन दहन हेतु भट्ठी में वायु का प्रवाह प्राकृतिक रूप से वायुमंडलीय दाब पर होता है, इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि काकरन बॉयलर। काकरन बॉयलर में क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है जो दग्ध गैस जो होती हैं, जो धुआं होता उसका होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और फिर कृत्रिम प्रवाह बॉयलर मतलब कि आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर में क्या होता है, जिन बॉयलर में ईंधन दहन के हेतु भट्ठी में वायु का प्रवाह यांत्रिक युक्तियों जैसे ये मैकेनिकल डिवाइस द्वारा किए जाते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, मतलब कि उसमें जो फैन वगैरह यूज किए जाते हों, जैसे कि रेल इंजन बॉयलर, बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर आदि में, इसमें क्या किया जाता है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह जैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जो है उसमें बताया गया सातवां नंबर जो हमारा है वह है जल संचार मतलब कि वाटर सर्कुलेशन के आधार पर। ठीक है, दो तरह के बॉयलर हैं, एक होता है प्राकृतिक संचार और दूसरा जो है बल संचार। प्राकृतिक में क्या होता है, वाटर जो है अपने आप जो है सर्कुलेशन में में रहता है, और दूसरे में क्या होता है, एक पंप लगाने की आवश्यकता होती है जो कि फिर से वाटर को बॉयलर में फीड करता है। ठीक है, जो जिसमें पंप लगाएंगे वो हो जाएगा फोर्स सर्कुलेशन, जिसमें कुछ नहीं लगाएंगे वो प्रेशर डिफरेंस से करना होगा, वो होगा नेचुरल सर्कुलेशन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया इसके अंतर्गत बॉयलर में पानी का संचयन गुरुत्व व संवहन धारा के सिद्धांत पर होता है, मतलब कि ग्रेविटी के कारण या फिर संवहन जो है के कारण जो है जो वाटर का फ्लो है वो बना रहता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल है काकरन या फिर बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर, ठीक है, इसका उदाहरण है। इसमें क्या बताया गया, फोर्स में इसके अंतर्गत जल भरण पंप द्वारा दाब पर पानी को बॉयलर में भेजा जाता है, जैसे कि बेंसन तथा एकारा परिचालन बॉयलर इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों ही बातें। आगे बढ़ते हैं, आगे और आठवें में बताया गया है क्या कि प्रयुक्त ईंधन के प्राकृतिक के आधार पर, मतलब कैसा फ्यूल यूज हो रहा है, कैसा ईंधन यूज हो रहा है बॉयलर में, इसके बेसिस पे। तो किस टाइप के फ्यूल यूज होते हैं, तो हम लोग जानते हैं मेनली तीन टाइप के जो है, तीन प्रकार के जो फ्यूल हैं वो बॉयलर में यूज होते हैं, वो कौन सा है, कोयला दहन मतलब कि कोयला हो गया, फिर तेल दहन मतलब कि ऑयल फायर्ड बॉयलर, और तीसरा जो है गैस दहन मतलब कि गैस फायर्ड बॉयलर। तीन ही है हमारे पास, कोल फायर बॉयलर, ऑयल फायर्ड बॉयलर एंड गैस फायर्ड बॉयलर। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए हैं कि इतना तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो क्लासिफिकेशन आएगा आपको इतना सारा आपको करना पड़ेगा, सारी बातें उसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ओके, समझ में अगर आ गया है तो कमेंट करके बताइए समझ में आया है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के। ओके, थैंक यू।